जर्नी अपन करेंगे कुरला से बदलापुर तक। ट्रेन अपनी आ चुकी है और देखते अपन इसमें जा पाएंगे कि नहीं। क्राउड तो ठीक ठाक है, मतलब अर्ली मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ मैं, अर्ली मॉर्निंग में तो थोड़ा क्राउड कम ही लग रहा है। देखता हूँ मैं इस ट्रेन में जा सकता हूँ कि नहीं। इसी ट्रेन में जाते हैं अपन बदलापुर की तरफ और आज का सफ़र करते लोकल ट्रेन से। इस तरफ के रूट में क्या नज़ारे देखने मिलेंगे वो दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलो फिर चलते या फिर दूसरे ट्रेन के लिए वेट करते। तो फाइनली अपन आ चुके ट्रेन के अंदर और कुरला से चल पड़ी ट्रेन, जाएंगे वीडियो बनाते हुए बदलापुर तक। बदलापुर तक कौन सी ट्रेन है, अंबरनाथ तक है ना। देखेंगे कहाँ तक अपना सफ़र हो सकता है, खूबसूरत नज़ारे देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कुरला से अपन बोर्ड हो चुके हैं और लेते लोकल ट्रेन का मज़ा। मज़ा बहुत आएगा गुरु वीडियो में, आखिर तक वीडियो ज़रूर देखना। कहाँ जा रहे हो, जॉब पे? आप इधर आ जाओ ना, पीछे आ जाओ। पूरे मजे इंडियन रेलवे का तो बेस्ट। ओ भाई साहब अर्ली मॉर्निंग का क्राउड देखो गाइस, ये सारे जा रहे काम के लिए। ये पीक टाइम होता है इनका, ऑफिशियल टाइम वगैरह रहता होगा ना। ये कौन सा स्टेशन है, ये विद्या विहार। तो यहाँ पे तो फिर भी कम क्राउड है मेरे ख्याल से, इसके बाद जो आएगा स्टेशन उसमें होगा एकदम भीड़ भड़क्का। ओ भाई ये क्यों पटरी तोड़ रहा, रेलवे वर्कर्स पटरी पे काम करते हुए। ओ भगा भाई भगा। लास्ट वीडियो में हमने वेस्टर्न लाइन वाला जो किया था उसमें काफ़ी मज़ा आया था मुझे। इस सफ़र में भी देखते कितने मज़े अपन लूट सकते हैं इस सफ़र के और क्या कुछ मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने चैनल पे। बाकी मौसम बढ़िया हो रखा है यार, हल्की हल्की बारिश हो रही है और क्या चाहिए। दिल खुश हम खुश, प्यारा प्यारा वीडियो। ओ आई और एक लोकल मुंबई की जान, वाकई में काफ़ी सारे लोग इसके भरोसे अपने जॉब पे पहुंचते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, हम तो वीडियो बनाने का मज़ा ले रहे लेकिन कुछ लोग डेली ट्रैवल करते हैं, उन लोगों के लिए लोकल बहुत मायने रखती है। इट्स अ वेरी गुड ट्रांसपोर्ट इन वेरी चीपेस्ट प्राइस, और क्या चाहिए भाई मुंबई में। अभी देखना मज़ा आएगा, अभी रियल में भीड़ भड़का। अभी मैं यहाँ पे खड़ा रह पाऊँगा कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग पहुँच चुके घाटकोपर स्टेशन पे। देख रहा भीड़ भड़का। बस ये एक अच्छी बात है लोकल ट्रेन की, दो मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती है भाई। दो मिनट में ना 100-150 लोग चढ़ जाते होंगे। घाटकोपर स्टेशन से पास हो रहे हम लोग। अभी इसने पकड़ी रफ्तार,
अब ये सीधे मुझे ले जाएगी मेरी मंजिल की तरफ और दिखाएगी हमको एकदम खूबसूरत नजारे। गाइस एंजॉय द वीडियो, फुल ऑन मजा, फुल ऑन मजे। और देखिए भाई जिंदगी का मजा, लोकल ट्रेन रफ्तार पकड़ती है ना, ये कैमरा कैमरा मोबाइल आप हैंडल ही नहीं कर सकते। ये स्लो है, इनको हम हराएंगे। और बीच में और एक आ गई लोकल, बोला ना मैंने सुबह के टाइम में ना कोई ट्रैक खाली नहीं रहता होगा, उस पर भी चल रही, इस पर भी, इस पर भी। देखो क्राउड, अर्ली मॉर्निंग का जॉब पे जाने वालों का, वो भाई पूरा स्टेशन भरा हुआ एकदम, जैसे कि मेला लगा हुआ है। दैट्स मुंबई भाई, भीड़ होती कैसे, हम और आपसे तो भीड़ होती है, क्या करें। मुंबई को ऐसे ही माया नगरी थोड़ी कहा जाता है। थाने स्टेशन पहुंच गए हम लोग, थाने थाने चल पड़े भाई, थाने से भी, थाने स्टेशन से भी चल पड़े। थाने भी एक बिजी स्टेशन है, थाने पे भी काफ़ी क्राउड होता है मॉर्निंग और इवनिंग में, काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। सराउंडिंग भी काफ़ी अच्छा है, पूरी हरियाली, पूरी हरियाली देख रहे हो ना साइड में। ओ टनल आ गई शायद, वाह 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 वाह, ओहो टनल। कितना जाम देख रो,
मुमरा स्टेशन से पास हो रहे गाइस। मुमरा पे थोड़ी स्लो हो गई मेरे घर से आगे, कल्याण स्टेशन आएगा ना, यहाँ से तो पूरी मुड़ गई ट्रेन। वो ये देखने बहुत ही औसम लगता है। अभी यहाँ से थोड़ा खाली खाली भी होगा, सिटी मेरे घर से यहाँ पे ख़त्म हो जाती है अभी, मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे नज़ारे बदल जाते हैं, देख रहे हो। ये कोई लेक है, रिवर है, आई डोंट नो, बट ये है एकदम खूबसूरत सा नज़ारा। वाओ, भाई अब तू स्लो चला, नज़ारे देख रहे हैं मुझे। अब मेरे ख्याल से वैसे भी ये ना कल्याण जाके स्लो ही हो जाएगा। मानसून महाराष्ट्र कितना खूबसूरत बना देता है ना, तो अभी जब सिटी के बाहर मेरे ख्याल से एकदम दिल खुश हो जाएगा, ऐसे नज़ारे देखने मिलेंगे। अब शुरू हो गए कुदरती नज़ारे, ऑसम नज़ारा। बारिश भी तेज हो गई गाइस, डोंबिवली स्टेशन। डोंबिवली पहुंचे हम लोग और डोंबिवली से निकल भी चुके हैं। डोंबिवली के बाद आएगा कल्याण, लेकिन अब बारिश भी पड़ गई है। वो बारिश थोड़ी हौली हो जा, इसके आगे तो नज़ारे देखने।
इतनी सारी पटरी आपको यहाँ पे दिख रही है कल्याण। जंक्शन पहुंच गया हम लोग। हम तो लोकोमोटिव इंजन लगा हुआ है। मालगाड़ी मालगाड़ी वो भाई ये क्या गिट्टी उट्टी लेके जा रही है पता नहीं। अगेन वन लोकोमोटिव इंजन ये शायद ट्रायल के लिए होगा यहाँ पे पता नहीं। अभियान आगे बहुत लोग यहाँ पे खाली हो जाएंगे देख रहे हो काफ़ी भीड़ यहाँ पे खाली हो जाएगी। काफ़ी लोग यहाँ पे उतर के अभी जाएंगे हम राइट साइड में जाके हम नज़ारे देखते फिर। तो भाई पहुँच गए अभी अपन कुरला नहीं कल्याण स्टेशन पहुँच गए। अभी कल्याण से 2-3 मिनट का हॉल्ट होगा उसके बाद निकल जाएंगे आगे और आगे है ना नज़ारे चेंज हो जाएंगे। तो देखना मेरे फेस पे और मेरे बाल पे मत जाना क्योंकि मैं फुट डोर पे खड़ा था तो इसके वजह से अपना हुलिया चेंज हो गया जो कुछ है। अभी निकलेंगे यहाँ से आगे हाँ सेकेंड ही है लेफ्ट साइड में हमने शूट करा था अब हम राइट साइड से करेंगे। राइट साइड के क्या नज़ारे ना कल्याण क्या कि मेरे से खूबसूरत नज़ारे अपने को देखने मिलेंगे तो देखते वीडियो कितना खूबसूरत बनता है। चलो भाई चल पड़े कल्याण से भी अब कल्याण के आगे के नज़ारे देखेंगे अपन। कुदरती नज़ारों का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं भी अब देखेंगे हम कुदरत के नज़ारे। ये छोड़ रहे हम कल्याण जंक्शन स्टेशन स्लो है यहाँ से लेकिन देख रहा ना मुड़ रही है। ये पीछे छोड़ दिया हमने कल्याण स्टेशन। कल्याण स्टेशन के यहाँ पे इंटरसेक्शन कितने सारे कल्याण स्टेशन के पास पटरियाँ देखो कितने सारे रास्ते खुले हुए वाह ये भी देखने ना अलग ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे पूरा मतलब है ना टर्निंग वाला कर्व है देख सकते हो आप ट्रेन पूरी मुड़ चुकी है पूरी की पूरी और ये हरियाली। गाइस उल्लास नगर स्टेशन निकल पड़े हम उल्लास नगर से भी। यार अब नज़ारे कब शुरू हो गए यार मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो गाइस अब यहाँ से शुरू होते खूबसूरत नज़ारे देख रहे हो ना भाई साहब पहाड़ तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा धुंधला हो गया धुंधला। वो ये बिल्डिंग आगे भी देख रहे हो ये वाला पहाड़ बिल्कुल धुंधला हो गया दिखना नहीं है। लेकिन यहाँ पे मौसम एक नंबर बन चुका है एक नंबर
वो पहुंच गए भाई हरियाली की दुनिया में। अब इसके आगे ना आपको भाई बहुत सारा वेजिटेशन देखने मिलेगा बिकॉज ऑफ मॉनसून सीजन। यहाँ से होती खूबसूरती शुरू। इसके आगे का जितना भी सफर ना करजत खोपोली तक अगर हम कभी करेंगे तो और अच्छे अच्छे नज़ारे कैप्चर करेंगे। इसमें तो दोनों आपको देखने मिलेगा, सिटी वाला व्यू भी और कंट्री साइड वाला भी। वो एक दो नदियाँ दिख जाए, नदियाँ झरने तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, फिर भी हरियाली एकदम भर भर के देखने मिल रही है। कोई मालगाड़ी वो जल्दी चल जा। ये अपना नज़ारा हाइड कर रही है, इसको भी अब भी आना था यार। तो दूर वाला पहाड़ है ना वो नहीं दिख रहा, वो तो ब्लर हो गया। यहाँ पर पूरा विलेज साइड, यहाँ पर वैसे भी ना आबादी भी कम है इस तरफ। माउंटेन ट्रेकिंग हम लोग ना इस रोड के पैरेलल ही चलेंगे मेरे ख्याल से। देख रहे हो ना ये सिटी रोड और ये रेलवे ट्रैक। बाय रोड भी यहाँ पे आने के लिए मज़ा ही आएगा। फिलहाल तो हम ट्रेन पे फोकस कर रहे हैं, जब बाय रोड स्टार्ट करेंगे तो वो भी नज़ारे देखे जाएंगे। जिसको मॉनसून में घूमना पसंद है ना, यू मस्ट विजिट महाराष्ट्र इन दिस टाइम मॉनसून सीजन, वन ऑफ द बेस्ट है। जिनको कुदरत से प्यार है, हरियाली देखना पसंद है, उन लोगों के लिए ना ये टाइम बेस्ट है। कम टू महाराष्ट्र एंड विजिट ऑल दिस प्लेसेस। अपन घर पे ये खूबसूरत जर्नी करके, तो ये खूबसूरत जर्नी अगर आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो शेयर करना और नीलेश को इसी तरह सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय।